I'm getting late. रात के खाने में अगर कोई खास चीज बनानी है तो बता दीजिए। नहीं सायदा बीबी, एक्चुअली मैं बच्चों को लेके डिनर पे जा रही हूँ, खाने में कुछ मत बनाइएगा। जी अच्छा वो मैंने कुछ चीजें भिजवाई थी दुआ और आपके लिए, चेक कर ली थी आपने? जी कुछ और चाहिए होगा तो ड्राइवर के साथ जाके ले आइएगा। नहीं बेगम साहिबा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने तो इतने सारे कपड़े भेज दिए कि खत्म ही नहीं होंगे। बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे आपके खाने की। आपने जैसे हिदायत दी थी वैसे ही बनाया। बच्चे हैं ना, मुख्तलिफ डिमांड करते रहते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी बच्चों के मजीद फेवरेट फूड्स। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो खुद आपसे कहने वाली थी कि कुछ चीजों का इस्तेमाल मुझे नहीं आता। आप सिखाएंगी तो मैं समझ जाऊंगी। हाँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगी। हाँ बस आप मुझे ये बता दें कि आप तनख्वाह कितनी लेंगी, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैं बता चुकी हूँ आपको, जब सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो मैं तनख्वाह का क्या करूंगी। मतलब सायदा बीबी, आप ये चाह रही हैं कि मैं खुद से डिसाइड कर लूं कि कितनी तनख्वाह दी जाए आपको? बेगम साहिबा, आपसे एक गुजारिश है। बोले। जहां आपने इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और करते। मेरी दुआ को पढ़ने का बहुत शौक है। आप मुझे कोई तनख्वाह ना दें, बस उसे स्कूल में दाखिल करवा दें। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी तो ये एहसास रहेगा कि जिस मकसद के लिए घर छोड़ा था वो पूरा हो गया। बाप पहले पढ़ती थी? जी, सालाना इम्तिहान होने वाले थे कि बाप ने घर बिठा लिया। चले आप परेशान नहीं हो, मैं राशिद को बोल देती हूँ कि जहाँ उसकी बेटियां जाती हैं वहां दुआ का एडमिशन करवा दो। बहुत मेहरबानी आपकी, जिंदगी के आखिरी सांस तक दुआएं दूंगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सावी। जी मामा। कम हियर बेटा। ये माहम कहाँ है? काफी टाइम से मुझे दिख नहीं रही है। माहम मेरे साथ तो नहीं थी। फिर कहाँ गई? डोंट वरी मामा, वो हमेशा की तरह अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ सर्वेंट क्वार्टर में बैठी होगी। जाओ बुला कर लाओ उसे। हर वक्त ये लड़की सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। आई डोंट नो इसका क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहना। आई थिंक दिस वन।